सो हेलो गाइस, पेंटिंग के एपिसोड के पार्ट टू में आपका बहुत स्वागत है। पार्ट वन में हमने डिटेल दिया था कि पेंटिंग में क्या क्या होता है। एज अ बिगिनर मुझे कितने एक्सपीरियंस लगा, कितना पैसा लगा पेंटिंग का इक्विपमेंट खरीदने में, और कौन सा कंपनी का पेंट, हम ए टू जेड का डिटेल्स हमने पिछले वीडियो में दिया था। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल वीडियो करेंगे। तो ये है एक मोपेट का मडगार्ड, हमने इसको जितने भी गंदगी था बिल्कुल क्लीन कर लिया है। अभी इसके ऊपर और एक क्लीन होगा, जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको एडिटेड चीज़ें दिखाऊंगा। अगर आप घर पे कर रहे हो तो भी इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रफ सरफेस है, ये वाला पेंट एक्चुअली अच्छा है, देख सकते हैं। तो इसको हल्का सा सैंडिंग करके इसके ऊपर कलर करेंगे। अगर पेंटिंग मैं आपको दिखाऊंगा, एक चीज़ पेंटिंग का ख़राब है उसको हम पूरा ही उसको पूरा पेंट उतारना पड़ेगा। इसके लिए हम पेंट रिमूवर का भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्वालिटी देखो, ये लोहे का। तो सबसे पहले इसको सैंडिंग करते हैं, कितने नंबर के सैंड पेपर से मैं सैंड कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़, और ये है प्लास्टिक का पार्ट एज यू कैन सी। तो इसके ऊपर भी हम कलर करेंगे। कलर प्लास्टिक का और लोहे का एक ही होता है, बट प्लास्टिक का प्राइमर अलग होता है और लोहे का प्राइमर अलग होता है, हमने पिछले वीडियो में डिटेल के साथ बताया था। एंड इसके बाद ये वाला जो हब देख रहे हैं इसको हम ब्लैक करेंगे, देखते हैं मैट ब्लैक या साइन ब्लैक देखते हैं। और अलॉन्ग विथ ये वाला जो रिम है इसमें हम न्यू स्पोक भी तो लगाएंगे, तो इसको भी ब्लैक कर देंगे। तो ये है मडगार्ड। सबसे पहले जो रफ सरफेस आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से। तो आई एम यूजिंग 80 नंबर का सैंड पेपर, देख सकते हैं 80 नंबर। इसके ऊपर 220 आता है, तो पहले हम इसको देखेंगे कि देखो 80 नंबर से बढ़िया तरीके से सैंड हो रहा है। और अगर आप प्लास्टिक में कर रहे हैं तो आप 600 नंबर का पेपर यूज़ करें, जैसे मैं करूँगा अभी वो प्लास्टिक पड़ा हुआ है। जितना बढ़िया सैंडिंग होगा उतना आपका कलर का बेस बढ़िया बनेगा। पहले हम इसको इस चाहे इसको कलर करेंगे। कलर प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो इसको हमने अच्छे से क्लीन कर दिया, थोड़ा बहुत ग्राइंडिंग भी कर दिया। और एज यू कैन सी इसका जो कलर है वो पहले से ठीक है, तो इसके ऊपर हम प्राइमर का उपयोग नहीं करेंगे। अगर इसका कलर बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब रस्टिंग वगैरह हो रहा था, तब उसके ऊपर हम प्राइमर का उपयोग करते उसके बाद हम कलर करते। तो प्राइमर को भूल जाओ, इस केस में हम इसको प्राइमर के ऊपर इस केस में हम इसके ऊपर प्राइमर नहीं करेंगे, डायरेक्ट कलर अप्लाई करेंगे। जो थिनर है इसको आप थिनर ही बोल सकते हैं। तो इसको हम पहले एक कपड़े की मदद से इसको पोछेंगे, क्योंकि जितने भी गंदगी वगैरह है वो पेंट करने से पहले निकल जाएगा। थोड़ा सा थिनर ऐड करेंगे, उसके बाद कपड़े की मदद से ड्राई करेंगे। और ये थिनर है तो तुरंत मतलब ये सूख जाएगा एज यू कैन सी। हम इसको पहले पोछ देंगे और ये तुरंत ड्राई हो जाएगा। हमने इसको क्लीनर से थिनर से अच्छे से क्लीन कर दिया है। अभी इसके ऊपर हम साइन ब्लैक या फिर जेट ब्लैक बोल सकते हो, मैट ब्लैक नहीं जेट ब्लैक में पेंट करेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका जो स्टिकर वगैरह है सही है, इसको हमने मास्किंग टेप से देखो टेपिंग कर दिया, आपको ऐसे करना है। और ब्लेड की मदद से इसको सब मतलब सेंटर करके मेजरमेंट करके एक्यूरेट वगैरह डायमीटर करके काट देना है। तब जब हम इसको पेंट कर देंगे तो इसका स्टिकर अच्छा है, इसको उतार देंगे थिनर से क्लीन कर देंगे, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल बैक टू न्यू पोजीशन में आ जाएगा। तो ये है थिनर एज यू कैन सी। इसका प्राइस मैंने पिछले वीडियो दिखाया था 520 रुपीज़ एक लीटर का। और ये PPG कंपनी का बना, PPG का ब्रांड है, बायलेक्स का, मतलब एशियन पेंट का ये मतलब पेंट है, और ऑटोमोबाइल पेंट है, नॉर्मल पेंट नहीं है।
तो हम ये वाला पेंट यूज कर रहे हैं, देख सकते हैं। और इस पर मैंने 500 ml लिया था, 1600 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। इसका प्राइस है 800 रुपये, ठीक है। तो इसमें देखो जेट ब्लैक कलर है, इसमें लिख दिया कंपनी ने DG, मतलब डायरेक्ट ग्लॉस। इसमें क्लियर मारने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम इसमें क्लियर कोट देखेंगे। और थिनर जाएगा 250 ग्राम 250 ml, और हार्डनर जाएगा 125 ml। इन्हें दिखाने वाला है ये वाला है पेंट, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये गया इसमें 120 ml कलर, ये गया 240 ml कलर, ये 10 ml। सो एज यू कैन सी इसमें भी दिख रहा है हमको, हमने 250 ग्राम 250 ml कलर लिया है। तो अभी हम देंगे इसमें थिनर, तो थिनर हम इसमें देंगे 125 ml। हार्डनर भी लाएंगे 125 ml, इसमें तो लिखा हुआ था, तो इसमें हम आधा आधा कर रहे हैं। तो इसमें हम 60 ml, 60 या 65 ml इसमें हम हार्डनर में लाएंगे वाला। तो इसमें हार्डनर गया अभी 60 ml। राइट, अभी इसमें हम पेंट रेडी हो चुका है। तो हमारा जो फाइनल पेंट निकला, हमने 250 ग्राम पेंट लिया था, और हमारा पेंट जो मैक्सिमम बन के रेडी हुआ है वो है 550 ग्राम, 550 ml, देख सकते हैं। तो 250 ग्राम से ये 550 ml कन्वर्ट हो गया। तो इससे हम अभी गन में लोड करेंगे। तो गन को हमने क्लीन कर लिया, इसको छान भी लिया है, अभी इसका हम डायरेक्ट कलर अप्लाई कर देंगे। तो स्टार्टिंग के लिए इतना कलर काफ़ी है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ भाई, ज़्यादा कलर मतलब वेस्ट हो सकता है। तो इतना मतलब हमने लगभग कितना लिया है, 300 ग्राम आई थिंक, 400 ग्राम लिया है। अब इसका ढक्कन लगाते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें हमने कलर मार के देख लिया कि कितना प्रेशर हमको चाहिए। तो इसको भी हम डिटेल वीडियो लाएंगे, अगर आप कमेंट करते हो कि यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है, यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी हमने मेजरमेंट कर लिया है, अभी हम इसको कलर करेंगे। हमने कलर पर हमने दिखा दिया है, और रिजल्ट जो है अनएक्सपेक्टेड निकला है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया कलर होगा। तो अभी हम इसको सिंगल मतलब एक साथ दो कोट ही मारे दिए, क्योंकि इसमें लिखा था डायरेक्ट कलर, मतलब इसमें सिंगल कोट में फिनिशिंग आएगा। तो हमने ये वाला स्टैंड बनाया है, अपने यूट्यूब वगैरह पर देखा होगा जो लोग कलर करते हैं, तो मतलब ऐसे घुमा घुमा के पेंट करते हैं। तो हमने स्टैंड बनाया, देख सकते हैं, तो काफ़ी फुट्स मिला। तो इसको हम डिटेल्स दे देंगे, होममेड है, और इसमें एक बियरिंग है, तो पूरा 360 डिग्री घूमेगा। तो इसको ऊपर हम पहले इसको रखेंगे, इसको हम कलर करने में इजी होगा। और इसमें हमको प्राइमर करने की जरूरत नहीं है, स्टील के ऊपर आप कर रहे हैं तो प्राइमर करने की जरूरत नहीं है, सिंगल कोट में फिनिशिंग आ जाएगा।
राइट, तो लगभग एक दिन सूखने के बाद जो हमारा कलर का रिजल्ट आया है वो ये रहा। और इसमें ऊपर हमने क्लियर कोट नहीं अप्लाई किया है क्योंकि इसमें डीजी लिखा था डायरेक्ट ग्लॉस, तो अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो हम इसमें क्लियर कोट अप्लाई करेंगे। अभी देखो कलर की क्वालिटी कैसा है। एजुकेंसी ये रिंग का क्वालिटी देख सकते हैं, इससे थोड़ा सा दाग हो गया है और बाकी आप क्वालिटी देख सकते हैं। और यह हमारा स्विंग आर्म एजुकेंसी, इसको ना थोड़ा और घिसना पड़ता तो और भी फिनिशिंग आता। बाकी कलर का क्वालिटी आप देख लो, इसको साइड कर दीजिए, ये थोड़ा डिफेक्ट है, इसको घिसना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया है, इसको हम और एक कोट कर देंगे। बाकी इसका फिनिशिंग देख लो, ये देखो। तो कलर का क्वालिटी मैं बोलूँगा काफ़ी सही है और ओवरऑल जो हमारा लुक आया है, फिनिशिंग आया है, वो कुछ इस तरीके से आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इंजन पेंटिंग या फिर टैंक पेंटिंग, उसके ऊपर प्रॉपर आपका क्लियर कोट भी आएगा, कलर भी आएगा और हम पुट्टी फिल भी करेंगे और प्राइमर भी करेंगे। इसमें तो हमने प्राइमर फिल नहीं किया है, तो हमारा लुक इस तरह का है। तो अभी इसको हम बाइंडिंग करने के देने वाले हैं, ये इसके इसको हम मतलब इस जगह पे वो भी ब्लैक है और जो स्पोक है वो हम तो न्यू यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो लगता है वो। और वैसे ये वाला स्पोक मैं लाया हूँ TVS का, ये वाला स्पोक ब्रांड न्यू XL 100 का, ये काइनेटिक में लग जाता है। तो इसका MRP है 419 रुपये और इसमें लगता है 36 स्पोक इस मतलब व्हील में, इसमें 36 इसमें 36। तो इसको मैं देने वाला हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसका, ये तब तक कंप्लीट हो जाएगा स्पोक के साथ। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, कलर के बारे में अपने बेसिक्स चीज़ें जानी है, तो रेगुलर वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जो टैंक है उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा, टैंक में हम साइन ब्लैक में कलर करेंगे बट उसका जो पूरा कलर है वो हम पेंट रिमूवर से पहले रिमूव कर लेंगे। इस वीडियो अपने पेंट रिमूवर का वीडियो नहीं देखा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्लियर कोट भी अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें क्लियर कोट करने का अप्लाई नहीं, देखो अभी से कितना ज़्यादा साइन दे रहा है, तो इसमें क्लियर कोट करने की ज़रूरत नहीं है बट टैंक में या फिर दूसरे पार्ट में हम करेंगे, मडगार्ड पे करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।